फ्रेंड्स सभी मॉर्निंग नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी एस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं एच रेमडी में यूज किए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट नंबर 67 के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले 1 से लेकर 66 मेडिसिनल प्लांट के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में 66 नंबर की लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स इसी क्रम में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगी और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, इसलिए सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो ये थेरेपी है फ्रेंड्स, ये प्लांट मेड रेमेडीज हैं, यानी कि ये जो थेरेपी है ये पेड़ पौधे से औषधियों से बनी हुई ये चिकित्सा पद्धति है फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पर बहुत ही प्रभावी बहुत ही इफेक्टिव ये थेरेपी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता भी हो सकता है कि EHRMD बनाने के लिए कुल मिलाकर 114 यानी कि 114 मेडिसिनल प्लांट को यूज करके 8 ग्रुप रेमेडी और 6 इलेक्ट्रिसिटी रेमेडी को तैयार किया गया है। 8 ग्रुप रेमेडी फ्रेंड्स, जैसे ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया फ्रेंड्स, सी ग्रुप हो गया, एस ग्रुप हो गया, वर ग्रुप हो गया, विन ग्रुप हो गया, एल ग्रुप हो गया और एफ ग्रुप हो गया फ्रेंड्स। इसी प्रकार से ये जो ग्रुप है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि 8 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप में सब में अलग अलग रेमेडीज हैं, यानी कि कुल मिला के 32 रेमेडीज हैं फ्रेंड्स ये ग्रुप में मिला के। इसी प्रकार से 6 इलेक्ट्रिसिटीज रेमेडीज हैं जो फूलों से बनाई गई रेमेडीज हैं, जैसे RE यानी पहला शब्द जो हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स उसका मतलब है कलर से, यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी। फिर इस प्रकार से WE यानी कि व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स, फिर YE यानी कि येलो इलेक्ट्रिसिटी, फिर BE हो गया यानी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, GE यानी कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और APP यानी कि एक्वा परले पल्ले। ये फ्रेंड्स स्पेशली एक्वा परले पल्ले जो है ये बाद में बनाई गई है और इसका मेन काम है स्किन के ऊपर ये काम करती है, यानी कि स्किन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं डिसीजेस हैं उन सब में ये बहुत ही उपयोगी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि कुल EH थेरेपी में 38 रेमेडीज हैं, वर्तमान में इन्हीं के क्रॉस से 22 न्यू रेमेडीज बना दी गई हैं, यानी कि आपको कुल 60 रेमेडी मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं 66 नंबर की रेमेडी के ऊपर, तो आइए हम लोग 66 नंबर की रेमेडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस रेमेडी का नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, कौन सा पार्ट यूज होता है EH रेमेडी बनाने के लिए, इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या हैं फ्रेंड्स, और EH रेमेडी बनाने के लिए किस ग्रुप में या किस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए इस रेमेडी को यूज किया गया है फ्रेंड्स। उसके साथ हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल जनरल मेडिसिनल यूजेस क्या है। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्लांट मेड रेमेडीज हैं, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है इसका नेम है फिलांड्रियम एक्वाटिकम, ये एक प्रकार का हर्ब है फ्रेंड्स। PHELLANDRIUM AQUATICUM, ये एक प्रकार का हर्ब है फ्रेंड्स। इसका जो कॉमन नेम है वो है स्टार वर्ट के नाम से जानी जाती है। इसका जो पार्ट यूज होता है EH रेमेडी बनाने के लिए फ्रेंड्स, ड्राइड एंड राइप फ्रूट्स एंड यूज्ड फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि इसका जो सूखा हुआ और पका हुआ फल का इस्तेमाल किया जाता है रेमेडी बनाने के लिए। बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या हैं। इसमें जो पाए जाते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हमारे आपके लिए हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें पाई जाती है इथाइल ऑयल पाया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि इथाइल जो ऑयल होता है इसको कार्ड ऑफ द वाटर फिनोइल ऑयल के नाम से भी इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। इसमें से येलो लिक्विड टर्पीन पाई जाती है फ्रेंड्स, और इसके साथ इसमें से जो पाया जाता है फ्रेंड्स वो है फिलांड्रिन नामक केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। अब बात करेंगे यूज्ड इन यानी कि किस EH रेमेडी बनाने के लिए इसका यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये जो रेमेडी है ये रिस्पेक्टेड ड्रग के ऊपर काम करती है, यानी कि पेट्रोल ग्रुप में ये काम करती है, इसलिए इससे जो बनाई गई रेमेडी है वो है P1, P2, P3 and P4, यानी कि पी ग्रुप की ये रेमेडी है, यानी कि स्पेशली ये हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। स्पेशली हमने कहा है फ्रेंड्स इसको ध्यान रखेंगे, बाकी ये शरीर के अन्य बीमारी में भी काम करती है, पर स्पेशली लंग से रिलेटेड बीमारी यानी कि ये RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चाहे अपर हो या लोअर हो, ब्रोंकाइटिस, उन सब में काम करती है। तो इसके मेडिसिनल यूजेस हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि इट इज़ ए गुड रेमेडी फॉर ब्रोंकाइटिस। तो फ्रेंड्स ये जैसा कि अपन ने बताया कि ब्रोंकाइटिस निमोनिक कंडीशंस के ऊपर ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। इसके साथ हम आप बताना चाहते हैं कि फेथिसिस एंड सीमा यानी कि जो हमारा जठर अग्नि है जठर के ऊपर ये काम करती है, यानी कि उसको मेंटेन करती है ना, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ठाक रहता है। फिर इसके साथ फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है इट इज आल्सो हेल्प टू अगेंस्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस,
यानी कि टीबी से संबंधित या कि टीबी के लक्षण आ गए हों या कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो उसके ऊपर भी रेमडी को बहुत बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स। अगर एक्यूट कंडीशन है तो अपन P1 देते हैं, अगर फीमेल को समस्या है तो P2 देते हैं, और क्रॉनिक कंडीशन में अपन P3 देते हैं अगर मेल है तो उसमें अपन P4 देते हैं अगर ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स हैं तो। फ्रेंड्स ये रेमडी जो है बहुत अच्छा काम करती है, प्रोवाइड टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डायरिया, जो लंबे समय से डायरिया हो रही हो फ्रेंड्स। कई बार ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के बाद पेशेंट सूखना शुरू हो जाता है और उसकी डायरिया लगातार बनी रहती है, ऐसे केस में इस रेमडी को याद किया जाता है तो उसका ट्यूबरकुलोसिस भी ठीक हो जाता है और डायरिया भी ठीक हो जाती है, क्योंकि उसका जो मेन कॉजेस था वो ट्यूबरकुलोसिस था। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।